निकल गए केलोंग वाले हाईवे पर। धूप बहुत ज़्यादा है बट वेदर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, और नज़ारे तो आप देख ही सकते हो मेरे पीछे। और अभी हम थोड़ा सा दूर चल के थोड़ी सी दूर पे रुके हैं क्योंकि नज़ारे इतने खूबसूरत थे, वाटरफॉल आप देख रहे होगे मेरे पीछे, तो मैंने सोचा एक बार दिखाना तो बनता है आपको इतना प्यारा इतना खूबसूरत नज़ारा। चलिए मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। लोग पहुंच चुके हैं अटल टनल, अटल टनल पीछे है, और अब यहां से हम अटल टनल क्रॉस करके जाएंगे आगे केलोंग। और आप देख सकते हैं बहुत सारे बाइकर्स भी यहां पे रुके हुए हैं, गाड़ी भी रुकी हुई है। आई थिंक अभी हम आया नहीं है, हम पहली बार आए यहां पे तो हमें कुछ आइडिया भी नहीं है उतना, बट नो डाउट बहुत खूबसूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखोगे ना बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कुछ पहाड़ पे धूप है, कुछ पहाड़ पे धूप नहीं है, और बादल तो खूबसूरत है ही। और सामने मेरे वो रही अटल टनल, आपको अगर विजिबल हो रही होगी क्लियरली, और ये का पूरा व्यू अटल टनल के बाहर से। अटल टनल में करीब 10 किलोमीटर की टनल है, पहली बार है मेरा, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है, तो अभी देखते हैं अटल टनल के बाहर निकलते हैं आपको दिखाते हैं। अदरवाइज आप आगे मूव नहीं कर सकते हैं, और हमें केलोंग मूव करना था तो बेसिकली उन लोगों ने हम लोगों की रिपोर्ट्स को, अब हमारे पास आरटीपीसीआर तो था नहीं, हमारे पास डबल वैक्सीनेशन की रिपोर्ट थी, तो वो हम लोगों ने दिखा दी उनको। और फिर उसके बाद अभी हम आगे आके अटल टनल के बाहर ही, अगर आप मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे तो अटल टनल है, अटल टनल क्रॉस करके अभी हम रुक चुके हैं। तो थोड़ा सा एक स्ट्रेच ब्रेक था बेसिकली, अब यहाँ पे सारे लोग जो है वो फोटो शूट करा रहे हैं, और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे आगे की तरफ, केलोंग की तरफ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा। ये कार्तिक भाई है, इनके पास कुछ नहीं था, ये फिर भी ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरा राज चलता है, ये इसका तो पूछे मत, इसे साइड कर दो। फिलहाल तो आप नज़ारे एंजॉय करो, आप देख रहे हो मतलब इधर आप देखोगे तो ब्लू स्काई है और बहुत पार्शियल क्लाउड है बेसिकली, छोटे छोटे क्लाउड, और अगर आप इस तरह देखोगे तो इधर केड़ा ही नज़ारा हो रहा है, और नीचे देखो ये एक रिवर बह रही है, मतलब नज़ारा तो एक नंबर है। देखो हवा बहुत तेज है, आई डोंट नो मेरी वॉइस कितनी क्लियर है आप लोगों को, ये हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है। ये अपने योगेश भाई वो स्टोरी हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, दिल्ली पहुंच के हम आपको सारी स्टोरी बताएंगे। फिलहाल तो आप देखो कि हमने क्या किया, कैसे बचे, वो सब बाद में, फिलहाल तो आप नजर
से 2 किलोमीटर हम लोग आगे आए और 5 किलोमीटर आए होंगे शायद। और ये एक वाटरफॉल है, बहुत सुंदर वाटरफॉल है, अगर आपको विजिबल हो मेरे जस्ट पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी क्लॉन्ग यहाँ से 23 किलोमीटर अभी रह गया है। टोटल जब हम मनाली से चले थे तब 76 था। और नज़ारे तो आप देख ही सकते हो, एक मेन जो मज़ा आ रहा है ना मुझे, वो जर्नी में भी सबसे ज़्यादा आ रहा है। इतना ब्यूटीफुल वेदर है, ठंड उतनी ज़्यादा अभी नहीं है, लेकिन जब हम नीचे से चले थे तब ठंड बहुत ज़्यादा थी, बट अभी उतनी ज़्यादा है नहीं। हाँ, हवा बहुत तेज है। और रास्ते तो एक नंबर है ही, आप देख ही सकते हो। सो आई एम प्लानिंग कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो मैं बाइक से ही आऊँगा, और ताकि मैं हेलमेट में ये कैमरा माउंट कर पाऊँ सो दैट मैं वीडियो और प्रॉपरली बना पाऊँगा। आगे कोशिश मेरी ये रहेगी, बाकी तब तक आप नज़ारों को एंजॉय कीजिए। तो अभी रास्ते से मैं निकल रहा था तो एक चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए रुका था। अगर आप देख रहे होंगे तो बीच में जो ये माउंटेन है, केवल इस पर धूप है और इस पर क्लाउड है। और आप अगर देखोगे ना, ये थोड़ा सा यूनिक है इस पर ना, हाँ वहाँ पर भी ऊपर उस पर भी थोड़ी सी ना बर्फ है जो ऊपर वाला माउंटेन। आई डोंट नो कि ये कौन सा एरिया है। और अगर आप उधर भी देखेंगे तो उधर भी जो माउंटेन्स है ना उन पर बर्फ है और जो क्लाउड है ना वो उनको टच करके जा रहा है। ये ना ग्लेशियर ही मेल्ट हो रहा है, यानी सिर्फ मेल्ट होके जो ना नीचे आ रहा है, और सारे सारे पहाड़ों पे यही हो रहा है। अभी यहाँ से केलोंग जो है वो 10 किलोमीटर रह गया है, और मैंने सोचा एक बार इतना खूबसूरत नज़ारा तो आपको दिखाया जाए। और नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है, ये एक ब्रिज है। आई डोंट नो ये रास्ता कहाँ जा रहा है, बट नज़ारा तो एक नंबर है। ऊपर से ड्राइव करते करते नीचे तक आ गए, और अभी यही रास्ता 10 किलोमीटर तक हमें आगे जाना है, तो आगे दिखाते रहेंगे आपको। अपने सारे भाई इधर है, और ये अपनी बुलेट स्कूटी हायाबूसा, और एक सॉरी भाई की तो हायाबूसा है, संजीव भाई की, सौरभ भाई की, सौरभ भाई की, और सॉरी भाई साहब सौरभ तिवारी भाई साहब की, ये रही हायाबूसा। मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ बार बार, और ये 2 बुलेट हमारी रही, छोटी बुलेट। तो कैसा लग रहा है आपको हायाबूसा चलाते हुए? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तुमको कैसा लग रहा है छोटी सी बुलेट चला के? अरे यार गरीब आदमी थे हम क्या करते हैं, हम इतनी बड़ी हायाबूसा ले जा नहीं सकते थे। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है भाई साहब की हायाबूसा। सब कुल मिला के भाई मजा आ रहा है, अभी और आएगा नीचे जितनी धूल खाओगे।
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टांडी ब्रिज। यहाँ से आई थिंक कितना 6 या 7 किलोमीटर होगा ना, यहाँ से करीब 7 किलोमीटर अभी केलोंग है। आपको मैं दिखाता हूँ, सो अभी हमें टांडी ब्रिज पर, और हवा बहुत तेज़ ज़्यादा तेज चल रही है, इस वजह से आप मेरे बालों के हालात देख सकते हो। और ये ब्रिज मतलब नज़ारा तो मैं क्या बताऊँ आपको, नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप मेरे बैक साइड देखोगे नीचे की साइड, तो ये रिवर बह रही है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लो से है, आप देख सकते हो। और ब्रिज तो नो डाउट हिल स्टेशन पे ब्रिज इतने खूबसूरत लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ और ज़्यादा इतना खूबसूरत लगता हो। अब मैं दिखाता हूँ आपको टांडी ब्रिज से नज़ारा। वाटर फ्लो देख सकते हो आप कितना ज़्यादा तेज है वाटर।